दो तारीख को मार से निकले पूरा मार दूसरे साल शिक्षा शिक्षा अधिकार पंचायत की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? शिक्षा अधिकार पंचायत की आवश्यकता आदमपुर में हरियाणा प्राथमिक क्यों पड़ी? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सामाजिक प्रतिबंध साथियों की हरियाणा की सरकार ने कुछ फैसले ऐसे करने का काम किया जिससे कि आने वाला जो हमारा भविष्य है वो किस तरह अंधकार में हो जाए। हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फैसला किया कि ग्रामीण अंचल में पड़े हुए स्कूलों को किस तरीके से बंद करने का काम करेंगे। आपको जानकर अच्छा होगा कि हरियाणा हिंदुस्तान में ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसमें कि हमारे बेटियों के लिए एक भी मिडिल स्कूल नहीं है। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने एक ऐसा फैसला करने का काम किया, नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, परंतु बेटी पढ़ाना जोर की बात, बेटी को घर बैठाने की राजनीतिक कुचेष्टा करने का काम इस सरकार ने किया। आपके पड़ोस में धारी मोहनपुर है, हमारे विधानसभा में कैरमपुर है, चोरी बागरिया है, चोरी क्रूज है, सतलपुर है, मालसिमर है, असरा है, कितने अनेक ऐसे गाँव है जहाँ पर प्रदेश की सरकार ने स्कूलों को बंद करने का काम किया और इसके पीछे भी राजनीतिक साजिश समझने का कुछ किस क्या राजनीतिक साजिश है, किस तरह से बच्चों के भविष्य के माध्यम से देश को खोखला करने का काम किया जा रहा है, इस तरीके से बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, जिस संविधान में हमें उन वर्गों को जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ गए थे, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो उच्च जाति वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कमेरा हो, किस तरीके से उनके अधिकारों को खत्म किया जाए, किस तरीके से उनके अधिकारों को हनन किया जाए, इसका विस्तार से खुलासा खुलासा हिंदुस्तान के सबसे मैं कहूंगा अगर क्रांतिकारी सोच के अगर कोई शिक्षा मंत्री है, हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी 2 तारीख को बाल संबंध में हनुमान मंदिर के सामने गोयल धर्मशाला के सामने जो चौक है उसमें आकर हरियाणा सरकार की उप कुचेष्टाओं का खुलासा करने का काम करेंगे। अगर मैं मनीष सिसोदिया जी की बात करूं, आज मैं हमारे राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बात करूं, सम्मानित बुजुर्ग युवा साथियों, उन्होंने स्कूल में शिक्षा में और अस्पतालों में स्वास्थ्य में वो काम करने का काम किया जिसका नाम केवल हिंदुस्तान का हर प्रदेश, अभी तो विदेशों से भी जब लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल वाले स्कूल दिखाओ, वो कहते हैं कि ऐसा अरविंद केजरीवाल ने 7 साल में दिल्ली ने ऐसा क्या कर दिया कि ना केवल शिक्षा, गरीब को, मजदूर को, किसान को, दलित को, पिछड़े को मुफ्त में देने का काम किया, अपितु प्राइवेट स्कूलों के अपितु बेहतर शिक्षा सरकारी स्कूलों में देने का काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ क्या दिल्ली प्रदेश के 1141 बच्चों का दाखिला मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में होने का काम किया। वो बैठ जा। वो इंजीनियरिंग कॉलेज, वो मेडिकल कॉलेज जिसमें कल को हमारे अगर बच्चे अगर इसी तरह ये स्कूल शिक्षा को बंद करती नहीं, खत्म करती नहीं, तो मुझे नहीं लगता हमारे बच्चे सिलेंडर से भी बाहर जाएंगे अधिकारी हो पाएंगे क्या। हर माता पिता ही सपना देखता है कि अगर किसी कारणवश आर्थिक या किसी व्यवस्था की वजह से वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाया, वो सोचता है कि अपने सपने अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करने का वो काम करेंगे, परंतु हरियाणा प्रदेश की सरकार ने बैकडोर एंट्री के माध्यम से वो भी बंद करने का काम किया।
आज 105 स्कूल बंद कर दिए, और कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जब 2005 से 14 में 509 स्कूल बंद करे थे, इन्होंने वो आंकड़े को छूने की चेष्टा शुरू करी कि 105 हमने बंद कर दिए, थोड़े दिनों में हम 500 स्कूल हरियाणा प्रदेश के बंद करने का काम करेंगे। सामान्य बुजुर्गों युवा साथियों, ये समय है जब हमें समझना पड़ेगा कि शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है। बाबा साहब ने कहा था, एक शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित समाज का निर्माण करेगा और शिक्षित समाज ही एक विकसित देश का निर्माण करेगा। अगर हम चाहते हैं कि विकासशील देश से हम विकसित देश की तरफ बढ़े, तो हमें हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था देनी पड़ेगी। और जिसका सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण दिल्ली प्रदेश में पिछले 7 सालों में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की जोड़ी ने करके दिखाया। शिक्षा मुफ्त मिले और सबको मिले, स्वास्थ्य मुफ्त मिले, सबका इलाज हो, सबके टेस्ट हो, मुफ्त और विश्व स्तरीय हो, बिजली मुफ्त मिले 24 घंटे मिले, पानी मुफ्त मिले 24 घंटे मिले, रोजगार मिले, ऐसे कुछ प्रयास अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करने का काम किया। जब ऐसा काम करने का प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल तो फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम करता है। 80,00,000 करोड़ रुपए ये मेरे युवा साथी खड़े हैं, मैं दावा कर सकता हूँ कि 80,00,000 करोड़ में कितनी चीज होती है हमें नहीं पता। 80,00,000 करोड़ रुपए अपने कुछ चंद कोटिपतियों के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माफ करने का काम किया। सम्मानित मुख्यमंत्री युवा साथियों, आज ये युवा साथी खड़े हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, ये मोबाइल हमारे हाथ में है, कितने रुपए में इसकी मोबाइल की कॉलिंग कुछ पूरे महीने की फ्री हो जाती है बताओ, कितने रुपए ये रिचार्ज में फ्री हो जाती है बताओ। आप नौकरी करते हो उसके बाद पेंशन बंद कर दी पूर्ववर्ती सरकार होने वाली सरकार ने मिलकर, परंतु विधायक को 5 साल में पेंशन देने का काम करती है ये सरकार। देख दे रही है ना, ये आपने 35 साल में 5 साल पेंशन लेता है। मैं व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं व्यक्तिगत रूप से, परंतु यहाँ के जो विधायक है जिनको आपने चुना, जिनको आपने चुनने का काम किया, प्रतिमाह 10 लाख रुपए पेंशन रुपए की घर में आती है, क्योंकि आपने अपनी वोट बुझने आपने अपनी उसको लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बनाने का काम कर दिया। आज वो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ का विधायक जाता है और कहता है कि मेरे बेटे को हार्वर्ड में पढ़ना उसकी इजाजत देनी चाहिए। परंतु जो व्यक्ति कुलदीप जी जब यहाँ पर आके कहते हैं कि आदमपुर मेरा परिवार है, सलेमगढ़ ढाणे मोहम्मदपुर खैरमपुर मेरा परिवार है, तब उनको ये नजर नहीं आता कि यहाँ के जब बेटे और बेटी सड़कों पर बैठे हैं तब उनको वो परिवार नजर नहीं आता। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ, एक निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जब आपके बीच में यहाँ का विधायक चुनाव के ऊपर है, आपका विधायक आपके बीच में वोट मांगने आएगा, तब कुछ सवाल मेरे माध्यम से आप उनसे करने का काम करें। आप उनसे पूछना कि विधायक जी ऐसी बात बताओ, हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, आप किस तरीके से 200 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का ऑफिस, इनकम टैक्स का नोटिस आपको मिला, ऐसी आपने क्या खेल खेला गया 39 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी सरकार को अटैच करनी पड़ी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने अपने बेटे को हार्वर्ड में पढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, ऐसी क्या मजबूरी थी अपने बेटे को अमेरिका पढ़ने के भेजने के लिए आपने अपनी और अपनी पत्नी का पासपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया, परंतु जब हमारे यहाँ पर स्कूल बंद हो रहे हैं, हमारे बेटे और बेटी सड़कों पर बैठे हैं, तब आप किस दावे के साथ कहते हो कि आदमपुर मेरा परिवार है। सम्मानित बुजुर्ग युवा साथियों, समय है उनके इरादों को समझने का। मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, आज हमारे बीच में हमारे मेहमान
ये जो भाई बैठे हैं इनसे इजाजत लेंगे और अपना गाँव मानता हूँ तो मेरा मन है कि मैं कुछ बातें आगे युवा साथियों से आपको पूछना होगा जब कांग्रेस के नेता आएंगे ये ऐसी क्या वजह रही कि 500 नोट स्कूल आपको बंद करने पड़े, ऐसी क्या वजह क्या मजबूरी है कि आप कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा का जो मौलिक अधिकार हमें बड़ी मुश्किल से मिला उसको छीनने का काम कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग युवा साथी वो लोग आएंगे आपको परगलाने का काम करेंगे, बहकाने का काम करेंगे, वो आपसे जाति की बात करेंगे, वो आपसे धर्म की बात करेंगे, वो आपसे और तरह की बात करेंगे। इन चीजों के सवाल जब आप पूछेंगे तब आप देखिए पिछले दिनों ढाई नवंबर में शिक्षा अधिकार पंचायत की, अब हम बाल संबंध में शिक्षा अधिकार पंचायत कर रहे हैं। आने वाले इतने समय में हर गांव में हर मोहल्ले में हम शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, बिजली की, पानी की बात करने जा रहे हैं। आपको उनसे पूछना होगा, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार उन्होंने बात बहुत अच्छी कही थी, बहुत लंबा समय हो गया आदमपुर हल्के के लोगों ने बेटों के लिए वोट देने का काम किया, कभी किसी के बेटे को दे दी, कभी किसी को बेटे को दे दी वोट। अब समय आया है जब हम हमारे बच्चों के लिए वोट डालने का काम करें, अब समय आया है हम हमारे बच्चों के लिए वोट डालने का काम करें। सम्मानित बुजुर्गों युवा साथियों, कहने के लिए और भी बहुत सी बातें हैं परंतु बाकी बातों का खुलासा 2 तारीख को रविवार को 2 बजे मनीष सिसोदिया जी और दिल्ली के अन्य नेता जब उस मंच पर बैठेंगे, उस पंचायत में बैठेंगे, तब आपसे साझा करने का काम करेंगे। मैं आज केवल और केवल आप लोगों को वहां पर पहुंचने के लिए हाथ जोड़ के निमंत्रण देने के लिए आया, आमंत्रण करने के लिए आया और न्योता देने के लिए आया। हमें हमारी ताकत को समझना होगा, वोट की वो ताकत जो बाबा साहब ने दी, आज हमारे बीच में केडी भाई आए हैं। मैं निवेदन करूंगा केडी भाई से, परंतु उससे पहले कुछ नारे जरूर लगवा दूंगा जिससे कि केडी भाई जब अपनी बात कहें तो उनको लगे कि शरीर में जितना क्रांतिकारी नाम है उतना ही क्रांतिकारी गांव है। केडी भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा सलेमगढ़ जहाँ पे जैसे हल्के की शुरुआत होती है इसी तरीके से व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत भी सलेमगढ़ गांव करने का काम करता है। तो मैं आपसे एक बार फिर से कुछ नारे लगवा के अपना स्थान दूंगा और केडी भाई के लिए ये मंच उनको साझा करने की निमंत्रण दे दूंगा, कुछ नारे लगाएंगे, भारत माता की जय, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय आदमपुर और जोरदार।